बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगस्त और सितंबर में आप कौन कौन सी सब्जियाँ लगा सकते हैं। दोस्तों, उसकी काफ़ी सारी वैरायटी है जिसको आप लगा सकते हैं। उसमें से आपको 25-30 के करीब आपको हम इंशाल्लाह वीडियो में बताएँगे। हमारे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, हमारे चैनल्स को लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप गर्मियों की सब्जियां एंजॉय कर रहे होंगे, तो अगर बात करें तो दोस्तों किस किस सब्जी का टाइम आ गया है लगाने के लिए, तो उसमें सबसे पहले अगर आपको दिखाऊं तो दोस्तों ये मेथी का आपको नज़र आ रहा होगा सीड। मेथी, कसूरी मेथी को लगाने का ज़बरदस्त टाइम आ चुका है। इसमें मेथी और मेथरे आप दोनों भी लगा सकते हैं। ये अगस्त और सितम्बर में लगाने का आइडियल दोस्तों इसका टाइम है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो मूली, जी हाँ, ये लंबी मूली, इसको भी लगाने का ज़बरदस्त टाइम शुरू हो चुका है। इसके अंदर लाल मूली हो, लंबी में वाइट हो, लाल हो, वो भी आप लगा सकते हैं, उसका भी टाइम शुरू हो चुका है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो स्पेनच, जी हाँ, स्पेनच को लगाने का ज़बरदस्त टाइम शुरू हो चुका है। स्पेनच को भी आप अगस्त और सितंबर में दोस्तों लगा कर अगली पूरी सर्दी में अपनी सब्जी की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो ये मटर जो पीस हैं, ये अगर आपको वीडियो में दिखाऊं, ये पीस को लगाने का ज़बरदस्त टाइम अगस्त और सितंबर है। इसमें आप लगाएंगे तो आप पूरी सर्दी मटर दोस्तों एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो ये कैरेट की बात है, जी हाँ दोस्तों, गाजर में अगर आप लगाना चाहें तो ऑरेंज कलर की भी और ये रेड कलर की, ये दोनों किस्मों को लगाने का ज़बरदस्त टाइम दोस्तों अगस्त और सितंबर है, इसको आप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए कोरिएंडर, जी हाँ, धनिया दोस्तों, धनिया तो वैसे तो इससे पहले भी आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्त जो आइडली टाइम है वो अगस्त और सितंबर है। इसमें अगर आप लगाएंगे तो ये ज़बरदस्त आपका कोरिएंडर तैयार होगा। इसकी कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है कि इसको कैसे लगाया जाता है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो ये बीट रूट, जी हाँ, जिसे चुकंदर के नाम से दोस्तों जाना जाता है, चुकंदर को भी लगाने का ज़बरदस्त टाइम शुरू हो चुका है। ये अगस्त और सितंबर में लगेंगी और आगे आप पूरी सर्दी इसको एंजॉय करेंगे। उसके बाद दोस्तों शलजम, जी हाँ, टर्नप, जिसे हम टर्नप के नाम से जानते हैं, ये शलजम को भी लगाने का ज़बरदस्त टाइम अगस्त और सितंबर है। इसको लगाएं और अपने शलजम की ज़रूरत पूरी करें। यह बेहतरीन सब्ज़ी है, हमारे कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते, लेकिन ये ऐसी सब्ज़ी है, अल्लाह ताला ने इसके अंदर ऐसी ताकत रखी हुई है कि किसी और वेजिटेबल में दोस्तों नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो जी हाँ, वैसे तो टमाटर आप पूरा साल ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो अभी टमाटर उगाएंगे ये आपको बेहतरीन टाइम पर टमाटर देगा। ना उस वक़्त सर्दी होगी ना गर्मी होगी, तो अभी आगे टमाटर दोस्तों बहुत महंगे होने वाला है, तो आप अगस्त और सितंबर में टमाटर को भी ज़रूर उगाएं और अपने घर की ज़रूरत पूरी करें। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो ये शलजम में दूसरी एक वैरायटी है, ये गोल्डन शलजम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके अलावा इसमें शलजम में और भी 2-3 वराइटीज़ हैं, तो उसको भी लगाने का आइडियल टाइम है। हाँ, शलजम की कोई भी वराइटी हो दोस्तों, आप उसको लगा कर अपनी सब्ज़ी की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो ये मोंगरे हैं, ये लंबे मोंगरे हैं। इसके अलावा एक और मोंगरे की वैरायटी है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इसके बाद। इसको भी लगाने का अभी आइडियल टाइम है, अगस्त और सितंबर में इसको लगाएं और अपने मोंगरे की जो ज़रूरत है सब्ज़ी की वो ज़रूर आप पूरी करें। दोस्तों मोंगरे गोश्त अगर पकाएँ तो क्या कमाल का टेस्ट है, ये नाम लेने से मेरे मुँह में दोस्तों पानी आ गया है। आप भी हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। इसके बाद दोस्तों ये मोंगरे की दूसरी किस्म है, ये मोंगरा, मोंगरी के नाम से बेसिकली जानी जाती है, मोंगरी। इसको भी लगाएं, जो अगस्त और सितंबर में लगाने का इसका ज़बरदस्त टाइम है। इसको भी लगा के अपनी मोंगरी की ज़रूरत दोस्तों पूरी कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे है हाइब्रिड सीड्स की, तो हाइब्रिड में ये रेडिश राउंड है, रेड, ये लाल मूली है हाइब्रिड में दोस्तों। इसमें अगर आपको देसी मिल जाए तो उसका भी ज़बरदस्त टाइम शुरू हो चुका है, अगस्त और सितंबर में ये लगेगी। इसको ज़रूर लगाएँ और अपने घर की ज़रूरत पूरी करें। जी हाँ दोस्तों, अनियन, प्याज आजकल बहुत महंगा हुआ हुआ है, तो हमारे जो दोस्त अर्ली प्याज लगाना चाहते हैं तो उसको अगस्त में इसकी सीडलिंग लगा दें। इससे पहले भी आप लगा सकते हैं अगर प्याज लगाना चाहें तो, वरना
आइडियल टाइम इसका स्टार्ट हो चुका है, अगस्त और सितंबर में लगाएं और अपनी प्याज की जरूरत को दोस्तों पूरी करें। इस ऑनियन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल वीडियो मौजूद है, आप दोस्तों उसको भी वहाँ से भी देख के सीख सकते हैं कि प्याज को कैसे लगाना है। दोस्तों अगर बात करें तो हर्ब की, तो ये सैलरी दोस्तों, सैलरी एक सीड, ये हर्ब है धनिया से मुशाबत रखने वाली, ये सैलरी इसको भी लगाने का ज़बरदस्त टाइम अगस्त और सितंबर है, ज़रूर इसको लगाएं और अपनी सैलरी की ज़रूरत को पूरा करें। दोस्तों इसके बाद अगर बात करें तो ये पार्सली आपको नज़र आ रही है, पार्सली को भी लगाने का आइडियल टाइम दोस्तों शुरू हो चुका है, पार्सली की भी सीडलिंग अभी लगाएं और अपनी ज़बरदस्त जो ज़रूरत है ज़बरदस्त सैलरी घर में खुद ग्रो करें। दोस्तों इसके बाद अगर बात करूं तो ये चाइनीज़ कैबेज है, ये हाइब्रिड चाइनीज़ कैबेज को भी अगस्त और सितंबर में लगाकर आप अपने दोस्तों सब्जी की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। ये है दोस्तों, ये रॉकेट सलाद है, रॉकेट सलाद को बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ़ायदे हैं, बेशुमार इसके बेनिफिट्स हैं, इसको ज़रूर लगाएँ और अपनी सब्ज़ी की रॉकेट सलाद की जो ज़रूरत है पूरी करें, अगस्त और सितंबर में लगाने के लिए इसका आइडियल टाइम है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो ये बंद गोभी, जिसे हम बहुत ज़्यादा सलाद में यूज़ करते हैं, तो इसको भी आप लगाएं और अपनी सब्ज़ी की दोस्तों बंद गोभी की जो ज़रूरत है सैलड में इसको ज़रूर यूज़ करें। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो वीडियो में नजर आने वाली ये ब्रोकली है दोस्तों, अगस्त और सितंबर में इसकी ज़बरदस्त काश्त होती है, ये ब्रोकली लगाएं, इसके भी बेशुमार फ़वायद हैं दोस्तों, ये इसको भी अपने घर में आप ज़रूर उगाएं, इसकी भी कंप्लीट डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर कोई अब आप विजिट करना चाहे तो वो विजिट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हर दिल अजीज़ आइसबर्ग लेटस, आइसबर्ग लेटस को भी लगाने का आइडियल टाइम अगस्त और सितंबर है, इसको लगाकर आप अपनी ज़रूरत का जो आइसबर्ग लेटस है आपको बाज़ार से महंगा लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लगाएं और इसको एंजॉय करें। दोस्तों जो दोस्त अहबाब साग पसंद करते हैं, स्पेशली जो गोभी सरसों का साग है, क्या हाइड्रेशन उसका जायका होता है, उसको लगाकर अपनी गोभी सरसों को घर में उगाएं, बहुत आसानी से जर्मिनेट होती है दोस्तों, इसको भी लगाने का ज़बरदस्त टाइम अगस्त और सितंबर है। जी हाँ दोस्तों, ये कॉलीफ्लावर प्राइमा F1 हाइब्रिड आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इसका भी ज़बरदस्त आइडियल टाइम शुरू हो चुका है, अर्ली लगाएं और अर्ली ही इसको आप तैयार करेंगे तो क्या ज़बरदस्त जायका है इसकी गोभी का भी, और कमाल इसका वाइट फूल आता है दोस्तों, इसको भी लगाएं, अगस्त और सितंबर में ज़बरदस्त की काश होती है। जी दोस्तों, करली केल, केल का भी ज़बरदस्त सैलड में दोस्तों यूज़ किया जाता है, इसमें भी अल्लाह ताला ने बेशुमार फ़वाइद रखे हैं, तो इसको भी लगाने का ज़बरदस्त टाइम अगस्त और सितंबर है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो बेजल गर्मियों में लगता है, लेकिन ये फ्रीडी रेड बेजल हाइब्रिड, इसको आप दोस्तों अगर सर्दी में भी उगाना चाहें तो इसको भी उगा सकते हैं, ये ज़बरदस्त का टाइम है, लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों टेरागोन की एक ये ज़बरदस्त वेजिटेबल है, बेसिकली इसको ये हर्ब है, इसके मुख्तलिफ यूज़ हैं, ये मेडिसिनल इसके काफ़ी सारे यूज़ हैं, इसको भी आप ज़बरदस्त लगाने का भी आइडियल टाइम शुरू हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए तो उसमें हमारे पास थाइम है, ओरिगैनो है और दूसरी हर्ब, उसका भी ज़बरदस्त आइडियल टाइम शुरू हो चुका है। वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो चुकी है, तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, इसमें जो चीज़ें रह गई हों उसके लिए हम आपसे माफ़ी खा हैं और मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान आबैदुल्लाह को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगेबान।